लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड सॉल्व एमसीक्यू की ये वीडियो है। और चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं यहाँ पर लॉ ऑफ क्राइम सेकंड के, तो ये क्वेश्चन जो है LLB फोर्थ सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, साथ में जो AIBE की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट। संज्ञेय अपराधों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके सामने, संज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में परिभाषित है। बी है, संज्ञेय अपराध की प्रकृति गंभीर और संगीन होती है। सी है, संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त कथन सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन, सामान्यतः अन्वेषण की कार्यवाही में निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही सम्मिलित रहती है? तो कौन सी सम्मिलित रहती है ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सुनिश्चित किया जाना। बी है, संदेहप्रद अपराधी की खोज तथा गिरफ्तारी। सी है, अपराध कारित होने से संबंधित साक्ष्यों का संग्रह। और डी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है, अन्वेषण की प्रक्रिया न्यायिकेतर अर्थात गैर न्यायिक होती है। बी है, अन्वेषण अपराध एवं शांति भंग के मामले में साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु किया जाता है। सी है, जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। डी है, जांच का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये कथन जो है सत्य नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, 4, उच्च न्यायालय किस प्रकार का दंडादेश दे सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, 5 का कारावास। बी है, 30,000 का अर्थदंड। सी है, आजीवन कारावास। और डी है, विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके सामने, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय। बी है, उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय। सी है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। डी है, ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी जो है कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सम्मिलित है, मतलब ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पूछा है। ऑप्शन है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। बी है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। सी है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। और डी, ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस दंडाधिकारी की व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किए जाने की नीति को कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से की गई? तो ऑप्शन है आपके सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों की। क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार दंड न्यायालय द्वारा दंड सदैव किस आधार पर दिया जाता है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपराध की प्रकृति के आधार पर, बी अपराध की गंभीरता के आधार पर, सी वकील की जोरदार बहस के आधार पर, और
डी है ए और बी दोनों आधार पर, मतलब ए और बी में जो दिया गया है। तो क्या यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है? तो ऑप्शन है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 11 वर्ष। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन है आपके सामने उच्च न्यायालय, बी है केंद्र सरकार, सी है विधि मंत्रालय, डी विधि मंत्री। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, उच्च न्यायालय। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए आए हैं और ऐसी वीडियोस देखनी है, AIBE की तैयारी करनी है या फिर LLB फोर्थ सेमेस्टर या LLB की MCQ की तैयारी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।